कही गई और नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी मुख्तसर सी नमाज फजर पढ़ाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आवाज़ें बुलंद फरमाया, अपनी जगहों पर ऐसे ही बैठे रहो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आया, यानी मैं इतना लेट क्यों आया, इसकी रीजन बता। मैं रात को बेदार हुआ, वुजू किया, जिस कदर मुकद्दर में था मैंने नमाज पढ़ी, मुझे नमाज में ऊंग आने लगी, हत्ता के वो मुझ पर गालिब आ गई, तब मैंने अपने रब को बेहतरीन सूरत में देखा। ख्वाब के अंदर कायनात में एक ही हस्ती है जिसने अल्लाह को देखा है, वो नबी अलैहिस्सलाम, और वो भी। तो अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद वो क्या है, मैंने अर्ज किया जो कुछ अब फरिश्तों वाला इल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ट्रांसफर हो गया, कि बाजमात नमाज पढ़ने के लिए पैदल चलकर जाना, ये गुनाह मिटा देने वाले आमाल है जो सूरतुल अनाम में सूरे ताहा के अंदर आता है ना, कि जो गुनाह है वो नेकियां जो है गुनाहों को मिटा देते हैं। तो ये सूरे हूद के अंदर नेकियां गुनाहों को मिटा देते हैं, तो वो कौन सी नेकियां हैं, पैदल नमाज के लिए चल के जाना,